हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक नई जगह पर कि मायापुरी में एक जगह है ऐसी जहाँ पे भुना मीट मिलता है। तो बाकी एग्जैक्टली क्या क्या मिलता है वहाँ पे मुझे अभी पूरा डिटेल पता नहीं है, तो वहाँ चलते हैं क्योंकि भुना मीट बहुत कम जगह पे मिलता है और अच्छा बना हुआ तो बहुत रेयर है। तो चलते हैं वहाँ पर, मिलते हैं वहाँ पे। शाम जी हैं वहाँ के कर्ता, उनसे बात करते हैं, वहाँ लोगों से बात करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं कैसा है, कैसा टेस्ट है, कैसी क्वालिटी है, सब बात करते हैं, दिखाते हैं थोड़ी देर में। बस पहुँचने वाला हूँ मैं। आप फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं, ये ज्योति ढाबा इसका नाम है। वैसे इसको सब मायापुरी में ज्योति ढाबा के नाम से जानते हैं। कि भाई साहब आते हैं तो उनसे बात करते हैं, पूरा डिटेल जानते हैं ढाबे का। फिर उसके बाद जो लोग खाने आ रहे हैं धीरे धीरे उनसे भी बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये हैं श्याम जी, यहाँ के कर्ता धरता। श्याम जी, कितना पुराना ढाबा है? 75 से है। और अच्छा, आप एक चीज़ मेरे बड़ा क्यूरियोसिटी थी पूछने की, जैसे लोगों ने तो ग्रेवी वाला आइटम बेचने ज़्यादातर, आपने भुना, क्योंकि सबसे मुश्किल चीज़ है ये लोगों को सेटिस्फाई करना, इसको खिला के। अभी पिशौर पाकिस्तान पिशौर है, ये वहाँ की डिश है, ये इंडियन डिश नहीं है। कि अलग कुछ हटके बनाया ना ग्रेवी आपको, अभी लोग क्योंकि चिकन तो हर कोई खिला देता है, हर तेरिया मिर्च चिकन ये सब हर जगह मिल जाता है, हर जगह मिल जाता है, ये भुना मीट नहीं मिलता। मीट और एक होता है लिवर दाना, हाँ ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, ये ढाबे का नाम वैसे ज्योति ढाबा है, लेकिन ये तोती ढाबा के नाम से मशहूर है मायापुरी में, क्या रीज़न है उसका? उसका रीज़न ये है, क्या नाम जो कारीगर का मेन नाम था जिसका नाम से होटल था। अच्छा, उसका नाम क्या था? उसका नाम था चौथी। अच्छा, अब पंजाबी लैंग्वेज तो सब पहले ज्यादा पंजाबी लैंग्वेज थी, अब जब कस्टमर बाहर के आ रहे हैं वो कह रहे हैं चौथी को नाम ही ना हुआ, तो उसको हमने कन्वर्ट करके ज्योति करा। हमारी पंजाबी की लैंग्वेज में ना वो तोती चढ़ा हुआ है, तोती चढ़ा हुआ है, इसलिए मायापुरी में सबको ही तोती नाम से मशहूर है। जितने कस्टमर है सब तोती ही कहते। ये है मटन बर्रा, ये मैरिनेट किया हुआ है। अच्छा, और एक कब करते हो मैरिनेट? हम सुबह 12 बजे करीब मैरिनेट करके रख देते हैं। ठीक है, फिर होता है एक बजे से एक घंटा में मैरिनेट अच्छा हो जाता है। नमक लहसुन का पेस्ट है और मटन बर्रे वाले अलग क्वालिटी का मटन है, अलग क्वालिटी का मटन है। ओके, थोड़ा फैट वाला मटन होता है। और मसाला? कोई मसाला नहीं, कोई नहीं, कोई मसाला अपना पीस निकालो, वेट करो, वही पीस आपको सर्व होते हैं। भाई जो पीस आपको चाहिए वो आप निकाल के बोलो, आपको सर्व हो जाएगा। ये जो आपको करना है, अगर कस्टमर का आज के टाइम में अपनी चॉइस है, बस ये वो बंदा कहता है मैंने चाम खाना है या कुछ खाना है, वो पीस वेट करता है, फिर वो आपको लीवर दाना, लीवर दाना मटन का, इसमें कलेजी के ऊपर फैट का रोल है। अच्छा, जब बन के आएगा तो ये आइटम कहीं भी नहीं है, अलग ही है। ये मटन बर्रा रोस्ट करने की तैयारी हो रही है। मैरिनेट तो आपने पहले करके रख दिया था एक घंटा पहले। फ्रेंड, ये कलेजी के ऊपर चर्बी की कोटिंग है, फैट का, मटन का फैट जो होता है उसी की कोटिंग है, तो ये भी रोस्ट होके मिलेगा आपको। ये हाफ डन हो गया है, क्या अभी और करना है? शाम जी को पता लगेगा देख के कि अभी पूरा कभी हाफ डन भी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उन्होंने दोबारा डाला है। ये हो गया हाफ डन। फ्रेंड्स, ये हाफ डन रेडी हो गया, अब कोई कस्टमर अगर खाने आते हैं तो उनको फिर फुल डन करके ये सब करेंगे। फ्रेंड्स, ये है तवा काली मिर्च चिकन, और खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। ये बनता कैसे है? ये चिकन मक्खन, काली मिर्च, नींबू, लहसुन, प्याज, बस कोई लाल मिर्च कोई गर्म मसाला नहीं, दो चिकन बना के रखते हैं हम। दो चिकन अगर और किसी ने खाना है एक्स्ट्रा खत्म होने के बाद में तो ऑर्डर पर बनेगा, मतलब आधा घंटा लगता है और तैयार हो जाएगा। मतलब ये क्वांटिटी आप रेडी रखते हैं रोज, ये रखते हैं, बाकी उसके ऊपर की क्वांटिटी अगर ऑर्डर करता है तो आपसे दो चिकन बना के रखते हैं, जैसे कस्टमर निकलते हैं वैसे बनाते जाते हैं। है चिकन करी? फ्रेंड्स, ये चिकन करी है, और आपकी वो स्पाइसी वाली होगी, वो वाली तो नहीं होगी जो बटर चिकन जैसे मीठा होता है? ये मीठा नहीं, बस वही है ना, पिशौरी जायका, पिशौरी जायका है, बटर चिकन हिसाब से। अच्छा, थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा हल्का स्पाइसी, मीठा मीठा नहीं है, पंजाबी जायका। ये शाम जी क्या है? चिकन ग्रेवी, चिकन ग्रेवी है, ये डिफरेंट लग रही है, ये शायद और स्पाइसी में है, ज़्यादा स्पाइसी वही होगा। अच्छा, सेम होगा, तो फ़र्क क्या होगा उसमें? इसमें वो देखने बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, ये वो भी अच्छा लग रहा था, ये उससे भी अच्छा लग रहा है ये, देखने में ये पंजाबी, ये पंजाबी तड़का टाइप है। भैया, रेगुलर आते हो आप लोग खाने के लिए कि फर्स्ट टाइम आए हो? आते रहते हो, तो क्या खाते हो दादा वैसे यहाँ पे? लेबर जाना कितना टाइम हो गया आते हो आप लोग? साल हो गए। तो बाकी मटन बर्रा वगैरह सब वो भी टेस्ट करा हुआ? सेकंड टाइम आया। और टेस्ट कैसा लगा आपको? बढ़िया है, हरियाणा से खाने आए हो स्पेशली, तो आप सेटिस्फाई हो? मतलब टेस्ट बढ़िया है, अच्छा टेस्ट है, तो और टेस्ट कहीं मिलता हो ऐसा मटन? कहीं कहीं नहीं मिलता ना, बर्रा अच्छा है, बर्रा भी बहुत बढ़िया है।
लीवर जाना सबसे बढ़िया है। शाम में स्विगी विगी पे भी ऑर्डर जाते हैं? स्विगी जोमेटो जोमेटो पे जाते हैं सिर्फ ऑर्डर। अच्छा, और कितनी दूर तक, कितना एरिया कवर करते हो? 12 किलोमीटर के आसपास कवर करते हो। मटन करी कैसी है? बहुत बढ़िया है, वो भी मैंने ट्राई किया। बर्रा और ये मटन करी बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद। आपका नाम भैया? हाँ, राज बाधवा। आप बाधवा जी पहली बार आए हैं, और किसने बताया आपको यहाँ पे? ओके, तो आपका फिर फीडबैक लेते हैं, आप पहले खा लो फिर आपसे पूछते हैं कैसा है। तो जयसवाल जी रेगुलर आते हैं कि रेगुलर? कितना टाइम हो गया? मैं तो 4-5 साल। क्या खाते हो? मैं चिकन बर्रा, मटन बर्रा, रोटी। और जनरली बताना कैसा टेस्ट है? बहुत बढ़िया है, जितना मर्जी उतना खा लो, क्वालिटी वाइज बेटर है, पेट खराब नहीं होता। सबसे बड़ी बात, मटन क्योंकि हैवी होता है, मटन तो हैवी होता है, फिर भी बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया होता है। इनका फ्रेश होता है, जो चाहिए वो मिलता है, आप अपने से चॉइस कर लो, आपको जो भी चाहिए वो निकाल लो। वही भैया बता रहे कि जो पीसना चाहिए वो तोड़ लो अपना, बता दो वही पीस आपको बना के देंगे, वही बना के देंगे, और जैसा चाहिए वैसा आप लो। ये सबसे बढ़िया बात है, ये कहीं नहीं मिलता आपको। ये बाधवा जी का आ गया है मटन करी, अब टेस्ट करो आप बताओ। बढ़िया, सुपर हिट, बढ़िया। नहीं नहीं कोई नहीं। अरे ये भैया दाल खा रहे हैं, मटन उन्होंने थोड़े टाइम के लिए छोड़ा हुआ है, और भैया कह रहे हैं दाल भी बहुत बढ़िया है, मतलब वेज आइटम भी बहुत बढ़िया है। अगर और भैया आपने फर्स्ट टाइम खाया है, आप क्या कहोगे इसके बारे में, मटन ग्रेवी के बारे में? आपने कहीं खाई है ऐसे? हम तो यहाँ पे किसी गाड़ी के काम से आए थे। हाँ भैया ने बताया, सुनते सुनाते यहाँ पहुँच गए। भैया आप लोग रेगुलर आते हो? आप आते हो? हम बड़े शर्मिंदे। क्या क्या खाते हो, क्या खाते हो ये तो बताओ। यार भाई हमारे को नहीं पता, हम तो पहली बार आए हैं यार। तवा चिकन, अच्छा भैया ने भी बताया था मेरे को, तो बढ़िया लगता है आपको, पहले भी टेस्ट किया हुआ है? तो कितना टाइम हो गया खाते हुए? 15 साल। टेस्ट के बारे में कुछ बताओ। बहुत बढ़िया टेस्ट है। आप आसपास ही कहीं आपका शॉप वगैरह है? कहीं मायापुरी में, मायापुरी में शॉप है। फ्रेंड्स ये दिलेर मेहंदी भी आके खाते हैं, ये देखिए दोनों भैया, श्याम जी और शेख भैया दोनों के साथ की फोटोग्राफ। अच्छा भैया ये बनाते बनाते मुझे एक चीज़ बताओ, दिलेर मेहंदी जी भी यहाँ आते हैं, और आप क्या बता रहे थे अभी कि वो वहाँ भी बनवा के खाते हैं और यहाँ भी बनवा के खाते हैं? अच्छा ऐसे फार्म हाउस पे, बताओ। न्यू कॉलेज लॉन्च करते हैं दिलेर मेहंदी जी ने, हाँ तो हमें फार्म पे इनवाइट किया। उदयपुर के राजा रानी, अच्छा उदयपुर से आए थे वो, उनको इतना अच्छा लगा, तो पूरे बोर्ड से भरे हुए थे, राजा रानी थे वहाँ के, तो वो वहाँ होंगे आए होंगे, उन्होंने कहा था ये आइटम उदयपुर लेके जाएंगे, उदयपुर भी आपको बुलाएंगे। अच्छा तो मतलब आप लोग जब दिलेर मेहंदी जी को खिलाना होता है, अगर वो यहाँ नहीं आते तो वहाँ जाके उनके लिए बनाते हो स्पेशली? फ्रेश खाते हैं मतलब बनवा के वो? अच्छा यहाँ भी आते हैं वो, 8-10 बंदे होते हैं ग्रुप वाले, अच्छा डांग वाले, पेंग वाले, सब ग्रुप जब जो सिंगर होते हैं, जो करते हैं, सब आते हैं। अच्छा फ्रेंड्स ये रेट लिस्ट है, ये देखिए, अब मटन बर्रा 1 किलो 1200, मटन बर्रा 0.5 किलो 600, ये पूरा क्वान्टिटी के हिसाब से पूरा रेट लिस्ट बनी हुई है, बहुत रीजनेबल रेट है और स्वाद बहुत ज़बरदस्त है, आपको मिलेगा ही नहीं कहीं पे ऐसा स्वाद। रेगुलर खाते हो आप यहाँ पे? कौन सा पसंद है ज़्यादा आपको? काली मिर्च वाला, काली मिर्च वाला चिकन। और कितने साल से खा रहे हो? 2 साल से यहीं पे आ रहे हो, वो काली मिर्च ही खाते हो, बाकी भी कुछ ट्राई किया है? मटन बर्रा खा रहा हूं, लीवर दाना ही बढ़िया, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। आप खाते हो ये काली मिर्च वाला? आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम बॉबी। बॉबी जी कितने टाइम से खा रहे हैं यहाँ पे? 30 साल हो गए हैं। और क्या खाते हैं ज़्यादा, पसंद क्या है? मटन, मटन ही। और कौन सी डिश मटन की? बहुत सारी है ना, इनकी बर्रा, मटन बर्रा, लेमन चिकन, लेमन चिकन, चिकन काली मिर्च वाला जो है, तो क्या टेस्ट के बारे में बताओ कुछ? बढ़िया है। तो कितनी बार महीने में हो जाता है आपका आना? कितनी बार महीने में हो जाता है आपका आना जाना? 15-20 बार आते हो, मतलब काफ़ी खाते हो, तो टेस्ट बढ़िया। और कहीं इसका कंपेरिजन का आपको मिला है कहीं दूसरी जगह कभी ट्राई किया? कोई भी नहीं मिला। थैंक यू। ये नाम आपका? मेरा नाम जसप्रीत है। जसप्रीत, जसप्रीत जी क्या खाते हो यहाँ पे आके? हम यहाँ पे स्पेशल दाने खाने ज़्यादा आते हैं। दाने वो जो लीवर दाना है, है? लीवर दाना, वो कैसे लगता है आपको? ओके। और एक काली मिर्च वाला चिकन। कौन
कौन सा तवे वाला, तवे वाला लाइम वाला काली मिर्च वाला, वो इनको पसंद है। यही आता है आपको, जब आओगे आपको यही मिलेगा। अच्छा, और कितना आपको कितना टाइम हो गया खाते हुए? कम से कम पहले वैसे जब छोटे थे शॉप आते थे अपनी तब भी यहाँ खाते थे। अच्छा, अपने आपको दो साल हो गए पहले छोटे से खाते आ रहे हो? छोटे होते खाते आ रहे हैं, अभी भी लगा। तो फीडबैक कैसा है खाने का? फीडबैक बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और इनका सबसे अच्छा फंडा मुझे लगा कि पीस अपना खुद सेलेक्ट करो, और जितने ग्राम भी है उसके हिसाब से पैसे लगते हैं, और जो भी पीस आपको चाहिए वो आपको बना के देंगे, रोस्ट करके देंगे। ये फंडा सबसे बढ़िया था। बाकी लिख के बताइए, कमेंट करके ब्लॉग कैसा लगा। और ऐसे ब्लॉग्स आते रहेंगे, और ट्रैवलिंग के ब्लॉग्स तो आएंगे ही आएंगे फ्यूचर में। बाकी ये ब्लॉग्स भी, फूड ब्लॉग भी चलते रहेंगे, तो बढ़िया से बढ़िया आपको जॉइंट दिखाऊंगा, जो जनरली यहाँ पे टेस्ट है वहीं का दिखाऊंगा आपको। और जो भी ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पे, वो सारे जेन्युइन होंगे, जेन्युइन फूड ब्लॉग। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको वही टेस्ट मिलेगा जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, जो बताता हूँ, जो कस्टमर फीडबैक होता है। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।